जय प्रभु जी। फटाफट से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो और चैनल को हिट करा दो। और दोस्तों देखो जी, आज मस्त थोड़ी। वैसे दोस्तों मेरा ना 2-3 किलो वेट तो कम हो गया, पतला हो गया मैं थोड़ा सा। जी सस्ती की महंगी है बता देना मुझे, ठीक है, पर मैं तो कुछ कर नहीं सकूंगा। लेकिन वीडियो पड़ी है मेरे पास, इसमें लगा देना, सब देख लेंगे। बुड्ढे आदमी को तंग कर जाते हैं ना दोस्त बनानी चाहिए, पर वैसे मैं बुड्ढा तो नहीं, मैं नहीं मानता, दुनिया कहती है लेकिन मैं मानता नहीं। हैप्पी बर्थडे डियर बेना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। और आज है थर्सडे और देखो पुष्पा रोटियां बना रही है, सुबह से नाश्ता तैयार कर दिया और मैं जा रहा हूँ जी। मेरे को तो खिला भी दिया पुष्पा ने और अब मैंने पैक भी कर लिया और मुझे आज जल्दी जाना था जैसे कि ऑफिस, तो मैं निकलता हूँ। और दृष्टि भी आज घर में ही है क्योंकि इसका थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, पर जल्दो भी जाएगा, इसको नीचे बुला रहा है। जा भी तुझे बुला रहा बंदा, आपने सिटी की आवाज़ सुनी होगी ना, तो हमारा जो मोहल्ले के जो वो है ना सफाई वाले, तो वो आगे है ना, तो उनको कूड़ा देना घर का, तो इसलिए वो प्रज्वल को बुला रहे हैं। जा प्रज्वल, सीटी बजा गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। ठीक है चलो जी, चलते हैं अब जल्दी से ऑफिस, भागते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। आज गाने पे चला रखे हैं सफाई अभियान वाले। और दोस्तों मौसम तो आज भी देखो कितना खतरनाक हो रखा है, बारिश वाला बना हुआ है। तो देखते जल्दी जल्दी पहुँचते हैं ऑफिस, क्योंकि भैया बहुत टाइम लग जाएगा अभी ऑफिस पहुँचने में और बारिश ना हो जाए कहीं, लग रहा है। और दोस्तों पहुंच गया हूँ ऑफिस, अभी बारिश हो गई है, देखो ये आ गया मंदिर और चलते हैं ऑफिस के लिए। रेड सड़क करनी पड़ेगी क्रॉस। तो लो जी, कर लो मंदिर के दर्शन आप भी। जय प्रभु जी। फटाफट से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा दो और चैनल को हिट करा दो। और ये आ गया हमारा ऑफिस 35 का। और ये देखो ये बाहर वाला भी मैंने नहीं बनाया हुआ है, ये देख रहे हो। और ये है जी मेरा ऑफिस 35, ये हेड ऑफिस है। और ये है हमारे जगरूप भैया, क्या हाल है, आगे साहब आगे। और दोस्तों देखो परसों मैं यहीं पे रुका हुआ था बारिश में ना, तो आज सारा दिन इतना बिजी था तो कुछ कर ही नहीं सके, बस काम 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 से बड़े जल्दी चला गया ना सर के पास। तो अब चलते हैं, चलो पुष्पा को लेते हैं और चलते हैं घर को। और दोस्तों देखो जी, आज मस्त थोड़ी। तो दोस्तों आज देखो जी, हम दोनों आए हैं इधर धनास की झील में, हमने कहा चलो यहीं पर उतर जाते, नहीं तो। और ये देखो कितने पतंगे से भी उड़ रहे हैं और कितना अच्छा बना रखा देखो धनास की लेक, वाह। और लोग यहाँ पे सैर कर रहे हैं, देखो ये, देखो ये लगाया बोर्ड धनास के, ये देखो अब तो बहुत अच्छा बना दिया यार। और देखो जी यहाँ पे लोग घूम भी रहे हैं, शाम की सैर कर रहे हैं। और ये देखो ये नीचे रोड जा रही है मेन, और ये देखो। तो चलो जी हम भी थोड़ा सा घूम लेते हैं, वो वहाँ तक जाएंगे। और दोस्तों इसमें ना मछलियाँ भी है और वो भी है ना, बत्तख भी है ना इसमें, बत्तख भी है, मछली भी है। चलो जी दोस्तों अभी हम घूमते, डॉगी डॉगी हमें कुछ कहेगा तो नहीं, ये डॉगी हमें कुछ मत करना डॉगी प्लीज है। और ये देखो यहाँ पे वॉशरूम भी बना रखा है, लोग घूमते घूमते अगर वॉशरूम कर वो भी उसके लिए भी है ना, नहीं जब किसी को लग जाए तो उसके लिए तो सुविधा हो जाएगी ना अच्छे से। और देखो यहाँ इसमें बोट भी रखी है एक, कितनी अच्छी बोट है ना। और ये देखो ये दोस्तों ये ना जंगल है, इसके पीछे वहाँ पे माता का मंदिर भी है, पहले ही जाते थे पहले, हाँ नहीं अब तो ये जाली से लगा दी ना इधर, नहीं तो यहाँ से ही लोग चले जाते थे इसे, फिर बंद कर दिया कि कभी इधर से, हाँ इधर से मोर बंदर और वो भी आते हैं, बारह सिंह भी होते हैं, हाँ सब होते हैं। और आजकल आजकल तो बारिश हो करके देखो कितना घना हो गया, बिल्कुल घना हो गया अच्छे से, नील गए
हाँ नील गाय भी होती है जी यहाँ पे, बहुत देख बार देखी है पुष्पा ने तो बहुत बार देखी। हाँ मोर तो मतलब आम है, मतलब सुबह सुबह यहाँ पे मोर के आवाज़ आते हैं। किस दिन सुबह अगर जल्दी जाग खुलेगी तो यहाँ पे आएंगे, शाम को भी आएंगे। अभी शाम को जब शाम ढलने लग जाएगी ना, अभी तो देखो सूरज, आज तो बादल भी लगे हुए मौसम बहुत। हाँ यहाँ पे फुवारे भी लगा रखे थे, वो कहाँ चले गए? और वो डूब रखे मेरे ख्याल फुवारे फुवारे है ना पहले। हाँ पता नहीं यहाँ जो फुवारे भी थे दोस्तों, यहाँ पे ना फुवारे निकाल दिए, वो भी नहीं दिख रहे सौर ऊर्जा की लाइटें, पता नहीं डूब रखे हैं यार मुझे लग रहा है। नहीं यार वो देखो जी नहीं, मोर की आवाज़ तो आ रही है ना। हाँ मोर की आवाज़ तो आ रही है, इधर से नहीं आई उधर से। चलो अभी अभी देखो कितना बड़ा चक्कर है, देखो यहाँ से लेके वहाँ तक, फिर वहाँ से ऐसे घूम के फिर ऐसे करके फिर वापस उधर को। और ये देखो जी यहाँ से ये एंड है यहाँ पे, यहाँ पे पहले यहाँ पे भी सौर ऊर्जा का वो लगा रखा था ना, यहाँ पे सारे इधर को तो नहीं कर दिया उधर से निकाल के, ये सौर ऊर्जा के थोड़ी ना। और ये देखो जी बत्तखें नहा रही है यहाँ पे, ये है ये तीन अच्छी अच्छी बत्तखें। और यहाँ पे देखो लोग बत्तखों को खिला भी रहे हैं कुछ कुछ, कितनी अच्छी है। कछुआ कछुआ भी है, खरगोश देखो जी इसमें कछुए भी हैं। ये देखो ये एक मछली ये घूम रही है, वो देखो मछली आई, वो मछली दो तीन कितनी अच्छी इधर भी है, इधर की देखो ये दो सफेद सफेद वाली कितनी अच्छी हैं, आवाज भी निकाल रही है देखो। वो देखो वो कछुआ उल्टा हो गया, मछलियां हैं, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी मछलियां देख रही है दोस्तों, ये देखो ये देखो यहाँ देखो यहाँ साफ है ना पानी थोड़ा सा, वो देखो नहीं नहीं दिख रही है कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं। ये कछुआ देखो, कछुआ दिख रहा है दोस्त, ये देखो ये कछुए हैं, ये देखो ये कछुए, अभी देखो जी कितना बड़ा कितना बड़ा, ये देखो वायुसेना का, ओ देखो विमान। यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रही हलचल, तो चलो जी अब चलते हैं घर को। पुष्पा देख लिया हिल घूम ली, मजा आया कितने साल हुआ बच्चों के साथ आई थी दो जब और ये देखो दोस्तों अभी हम वहाँ से घूम के पूरा ऐसे पूरा ये यहाँ से ऐसे 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 करके पूरा वो चक्कर लगा के इधर से अब हम जाएंगे यहाँ को घर, घर को जाएंगे अब तो। मजा आया वैसे तो पैदल, वैसे हम बड़ा चल लेते हैं घूम के हम तो घूमे लोगों, वैसे सुबह सुबह आना चाहिए उसको हमको है ना यहाँ पे घूमने के लिए, सुबह सुबह आएंगे तो बहुत अच्छा भी शरीर भी ठीक है। वैसे दोस्तों मेरा ना 2-3 किलो वेट तो कम हो गया, पतला हो गया मैं थोड़ा सा, मतलब नींबू पानी का और थोड़ा सा रोटी, रात को रोटी कम खाने का थोड़ा सा, नहीं थोड़ा सा तेरे को भी हो गया फर्क सच में पक्का। तो चलो जी दोस्तों अब चलते हैं घर, और देखो लाइट भी चल गई है ये देखो, और मौसम कितना बड़ा, मतलब सवेरे भी बारिश हुई है लेकिन फिर भी मौसम वैसे का वैसे ही देखो, पसीने पसीने से चिपचिप हो रखा है। और ये देखो दोस्तों कितना नाला आ रखा है, इसका मतलब पीछे बारिश हो रखी है। हाँ ये जो पानी है ना इसलिए इतना तेज़ आ रहा है, नहीं तो इतना तेज़ भी नहीं होता। और ये देखो सारा ये बह के गया हुआ यहाँ से, सारा साफ हो रखा है, बहुत तेज़ है पानी, वो देखो ज़्यादा आगे भी नहीं जाते तो पट्टे से कहीं छपेगा तो हो गया। तो दोस्तों पहुँच गए घर और थकान हो रखी है बहुत ज़्यादा। और ये देखो ये पुष्पा ने आज देखो क्या क्या निकाल रखा है आते ही, हैं आते कब ये सवेरे निकाले था, सवेरे निकाल के गई थी। देखो ये एल्बम है हमारी पुरानी एल्बम है, बच्चों की फ़ोटो में भी है इसमें सबकी। तो चलो तो आपको बाद में दिखाएंगे, रुक जा अभी अभी से क्या यार अभी तो हाथ मुँह तो धोने दे, शक्ल के और रखे हैं ऐसे पैसे, अभी बाद में बताएंगे दोस्तों ठीक है।
तो लो जी आज बनाएंगे हम, देखो जो परसों की बची हुई थी गोभी ना, वो वाली मैंने काट लिए, थोड़े से आलू काट लिए, और देखो थोड़े से फ्राइज बीन लाया हूँ, और एक शिमला मिर्ची, ये 10 रुपए की है शिमला मिर्च, सब्जियाँ इतनी महंगी हो रखी है ना सच में, और एक 10 रुपए की शिमला मिर्च लाया हूँ, और ये थोड़ी सी बीन्स, देखो इतनी सी बीन्स मैंने अलग निकाल ली है, और इतनी बीन्स ना जैसे मैंने उसके लिए रखी थी ना, तो ये देखो ये गोभी रखी थी वैसी वो रखती है। हाँ जी 40 रुपये पाइया शिमला मिर्च, 40 रुपये पाइया, तो देखो 10 रुपये में एक ही आई, क्या करें क्या खाएगा अपने, है ना, तो इसलिए सब मिक्स करके, ये देखो ये 30 रुपये पाइया बीन्स। और आपके वहाँ पे क्या रेट हो रखा है, ये सब्जी सस्ती है कि महंगी है बता देना मुझे, ठीक है, पर मैं तो कुछ कर नहीं सकूँगा, लेकिन पता लग जाएगा कि यहाँ पे ज़्यादा महंगी है कि आपकी तरफ ज़्यादा महंगी है ना। तो चलो फटाफट से मिक्स वेज बना लेते हैं आज, गर्म हो गया, इसमें डाल देता हूँ जीरा और थोड़ी सी हींग, क्योंकि गोभी खा रहे ना तो हींग जरूर डालनी चाहिए, नहीं तो बाई हो जाएगी गोभी से, फूल गोभी से होती है बाई, है ना। तो ये डाल दिया प्याज, तो लो जी दोस्तों प्याज हो गया, अब इसमें डाल देते हैं ये लहसुन और हरी मिर्च। तो लो जी दोस्तों ये देखो सब्जी डाल दी सारी इसमें, है ना, और इसको अच्छे से मिला लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं थोड़ा सा, और अभी मसाले नहीं डालने, बिल्कुल भी मैंने मसाला कोई नहीं डाला, ये सारे मसाले के डब्बे खोल के रखें, लेकिन अभी फिलहाल मसाला कोई नहीं डाला, पहले इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। वैसे थोड़ी सी गलती होगी, ये बीन्स मुझे बाद में डालने की है, देखो जी गलती तो हो ही जाती है, लेकिन इंसान वही जो गलती को मान ले और सुधार ले, है ना, और आगे से ना करे गलती। तो ये देखो दोस्तों अब ये सब्जी बस थोड़ी देर पकाएंगे इसको, और कितनी सुंदर लग रही है ना, तो इसको थोड़ा सा ढक के पका लेता हूँ, चलो ताकि गोभी अच्छे से पक जाए, ठीक है। तो बस अब पहले हमारा काम अब नहाने के लिए, और दृष्टि बता रही थी कि बाहर बारिश हो रही है, तो देखो ये देखो दृष्टि ने आटा गूंथ दिया, और बाहर बारिश हो रही है क्या, हो तो रही है, अरे कुछ पकड़िए, अच्छा बारिश, देखो जी बारिश हो रही है सही में, अभी तक मौसम बिल्कुल, अभी मैं सब्जी लेके आया तब नहीं हो रही थी, कल भी देखो मैं जब सब्जी लेने गया था तब नहीं हो रही थी, और फिर होगी और सब्जी बनाते बनाते अभी भी देखो सब्जी बना रहा है, बारिश देखो बर्तन धो लिया, वो देखो फिल्मी कलियाँ खिला रहा है, ए लड़के ओ क्या। तो दोस्तों देखो आज ये ना अपनी जो मेरे भाई हैं भुवन भाई, उनकी बेटी का जन्मदिन था, आज ये बर्थडे मना के आई है, और दृष्टि की तबीयत ख़राब थी तो दृष्टि नहीं गई, ये गया कुणाल गया दीक्षा गई, है ना, और बर्थडे था किरण का, है ना, क्या क्या करा, बहुत वीडियो पड़ी है मेरे पास, इसमें लगा देना सब देख लेंगे, हैं वीडियो पड़ी है मेरे पास, हाँ इस पर लगा देना सब देख लेंगे। तू क्या ये फिल्मी कलियाँ सी खिला रही है, देखो जी ये क्या हो गया, खुजली हो रही पैर में, खुजली क्या हो रही है, वो फिर ऐसे करते हो जख्म हो जाएगा वहाँ पे कहीं पे छिल छुल लग जाएगी तो, हाँ दिखा क्या चीज़ है, फोटो फोटो स्टोरी लगा रहा है, बस तुम्हें इसी काम जब गिर आएगा तुम इधर तरह, तुम्हारा बापू इधर सब्जियाँ बना रहा है, खुद को शर्म नहीं आती बना के, बुढ़े आदमी को तंग कर जाते हैं ना, तो बनानी चाहिए, पर वैसे मैं बुढ़ा तो नहीं, मैं नहीं मानता, दुनिया कहती है लेकिन मैं मानता नहीं। चल ये बच्चे कर, चल बर्थडे कर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बेना, हैप्पी बर्थडे टू मी, सारा क्रेडिट वहीं थोड़ी जाएगा, वही रेड वेलवेट अपनी जान लगा दी इसने बनाने में, किरण अभी पता क्या लग रही थी, देखियो देख ये वो लग रही है साउथ इंडियन, साउथ इंडियन गोलगप्पा पहली बार आई है डोमिनोज में, आपके भी दांत में कैविटी है, मेरे भी दांत में कैविटी नहीं है, पर इसके दांत में कैविटी, इसके दांत में है, इसके दांत में कैविटी है। और दोस्तों ये देखो जी खाना आ गया है, और ये पता क्या है, ये आज देखो मैं दोपहर को जो लंच के लिए मैं जो लेके जाता हूँ ना प्याज और वो
तो ये वैसे का वैसे ही है, क्योंकि आज दोपहर को जो घर से ले गया था ना रोटी, वो मैं खा ही नहीं सका, सर ने ही खिला दिया था। जैसे आपको पता है कि मैं सर के पास गया था ऑफिस, तो सर ने मतलब वहीं पे लंच करवा दिया अपनी तरफ से, है ना। तो बस फिर हमारी रोटी बच गई, तो हमारी रोटी बच गई तो हम घर ले आए। छोटे बच्चे की तरह रो रहे होंगे ना, तब उन्हें अपने हाथ से खिलाया खाना। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो चलो भाई प्रज्वल खड़ा हो जा, खाना खाओ। और ये देखो जी, ये बनी है मिक्स वेज जो मैंने बनाई है। तो कैसी लग रही है दोस्तों ये देखो? अच्छी लग रही है वैसे देखने में, तो खाने में पता नहीं कैसे। तूने कहाँ से बनाई है? सबको पता है, झूठ झूठ नहीं बोलना। चल खा के बता दे फिर कैसी लगी है। मुझे शक है मेरे बनाई है। तो देख वो रोटियाँ कहाँ की, सवेरे वाली दे देना मुझे। मुझे क्या पता कहाँ रखी नीचे होगी। सवेरे वाली रोटी कहाँ रखी बेटा? इसमें से नीचे ही निकाल। अब रोटी भी मैं निकल, मैं तेरे को बताना भूल गया कि भी मत बनाइयो। चल कोई ना, तू दे दे मुझे। वो तो ताजी थी बिल्कुल, साफ ही थी बिल्कुल। मैं तो हाथ भी नहीं लगाया उनको, इतना करना ये भी करे बस ठीक है। तो ये देखो बस मेरे पास रोटी, मैं ये खा लूँगा। तो ये देखो जी, ये सवेरे की जो रोटियाँ थी बर्बाद नहीं जाने देंगे, ये मैं खा लूँगा नो प्रॉब्लम। ठीक है अब सब खाएंगे खाना। चलो जी खाओ। तो चलो दोस्तों करते हैं डिनर, और चलो मैं खा के देख लेता हूँ यार एक बार ना। क्या कह रही है? क्यों एक खा ले। चल कोई ना, इसमें मैंने घी भी लगा रखा ना, इसीलिए घी के लालच में ली ना तूने मुझसे। ही चलो सब्जी खा के देखते कैसी बनी है। हाउ हाउ इज दी सब्जी? तीखी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है क्या बोलते हैं, है ना, देखा इसलिए मैंने मसाले ज़्यादा नहीं डाले, और बिल्कुल सूखी सूखी। आज ऐसी सब्जी मैं बनाता हूँ नहीं बनाता हूँ ना, देखा नहीं बनाता हूँ ना, गोलियाँ डाल रहा हूँ इसलिए बनाई ना कि मेरे बेटा आज पिज्जा खा के आया। हाँ ये पिज्जा खा के आया आज, और ये मैंने इसको बोला था कि अच्छे से ब्लॉग बना लेना अगर जाओगे घूमने तो ये बस ये अपनी मौज मस्ती कराए, और ये नहीं कि भी चलो थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए, है ना, ब्लॉग आपको चिढ़ाने के लिए। नहीं चलो ठीक है जी, अब पहले डिनर कर लेते हैं, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा।